नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तारीख है 10 अप्रैल 2022 दोस्तों, और आप लोगों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। यहां पे 11 अप्रैल 2022 सोमवार मंडे के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया। उसके इंट्राडे लेवल बताने से पहले डिस्क्लेमर, ध्यान से सुनिए, कोई भी पर्सनल बाइंग या सेलिंग की सलाह यहां पे बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें। आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी दोस्तों, डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिए। और अभी तक अगर आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो चलिए शुरुआत करूंगा, सबसे पहला स्टॉक की तरफ बढ़ूंगा जिसका नाम है दोस्तों बैंकिंग सेक्टर का, HDFC बैंक। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक आपको दिख रहा है। न्यूज आने के बाद काफी अच्छा फ्लक्चुएशन ऊपर की तरफ में गया था, लेकिन उस सारे गेन्स को खत्म करके स्टॉक वापस उस लेवल पर आ गया जहां से इसमें बाउंस आया था। तो वापस अपने लोअर लेवल को टेस्ट किया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो अगर HDFC बैंक ऊपर ब्रेक करता है 1523 रुपए को तो बाय करेंगे, बाय 1523 पहला टारगेट होगा, 1533 1533 का दूसरा टारगेट, 1543 1543 और तीसरा 1553 1553 रुपए का स्टॉप लॉस 1513 का लेके चलेंगे। अगर इनके नीचे ब्रेक करता है 1508 रुपए को तो सेल करेंगे दोस्तों, सेल बिलो 1508 पहला टारगेट हो जाएगा, 1498 1498 रुपए का दूसरा टारगेट होगा, 1488 1488 और तीसरा 1478 1478 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, 1518 रुपए 1518 का। दोस्तों शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना है, उसके बाद एक स्टॉक बाइंग या सेलिंग को एग्जीक्यूट करें तो ही ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को अवॉइड कर दें। तो ये पहला स्टॉक है HDFC बैंक। बढ़ूंगा सेकेंड स्टॉक की तरफ जिसका नाम है मेटल सेक्टर का हिंडालको। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कहीं नहीं गया, बिल्कुल एक रेंज में फंस गया, ना ऊपर गया ना नीचे गया। अब इस रेंज को जिधर भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा हिंडालको में उधर ट्रेड बनेगा। तो हिंडालको को 585 रुपए के ऊपर खरीदेंगे, बाय 585 पहला टारगेट, 589 589 रुपए का दूसरा टारगेट, 593 593 रुपए का और तीसरा 597 597 रुपए का, स्टॉप लॉस 581 581 का रहेगा। इनकेस अगर ये नीचे ब्रेक करता है 578 को तो सेल करेंगे, सेल बिलो 578 पहला टारगेट, 574 574 रुपए का दूसरा टारगेट, 570 570 और तीसरा 566 566 रुपए का स्टॉप लॉस, 582 582 रुपए का लेके चलेंगे। दोस्तों फर्स्ट टारगेट के पास भी अगर स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50-70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप स्टॉप लॉस ट्रेड करके चल सकते हैं। बढ़ूंगा तीसरा और फाइनल स्टॉक, अंतिम स्टॉक जिसका नाम है ग्रासिम। आप डेली के चार्ट पर ग्रासिम में वॉल्यूम देखिए, डेली का चार्ट है, जबरदस्त वॉल्यूम आया है। और यहाँ पे देखिए ग्रासिम में एक रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4, ये चार बार इसी रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करने का यहाँ पे कोशिश किया लेकिन फाइनली ब्रेक नहीं कर पाया। और लास्ट टाइम में आप यहाँ पे देखिए डेली के चार्ट पे उसको ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है। तो अगर ग्रासिम ऊपर के लेवल 1786 को ब्रेक करेगा तो बाय करेंगे, 1786 रुपए के ऊपर खरीदेंगे, पहला टारगेट हो जाएगा 1796 1796, दूसरा टारगेट हो जाएगा 1806 1806 और तीसरा 1816 1816 रुपए का, स्टॉप लॉस 1666 1776 का रहेगा। इनकेस अगर ये नीचे ब्रेक करता है 1765 को तो सेल करेंगे, सेल बिलो 1765 पहला टारगेट, 1755 1755 रुपए का दूसरा टारगेट, 1745 1745 और तीसरा 1735 1735 रुपए का, स्टॉप लॉस 1775 1775 का रहेगा। तो दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें, और याद रखिए प्रॉफिट बुकिंग पे खास ध्यान देना है, क्योंकि जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते वो लास्ट में लॉस बुक करते हैं दोस्तों। तो ये तीन स्टॉक है सोमवार 11 अप्रैल 2022 के लिए। पसंद आए कमेंट करके जरूर बताएं, और स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, fire/blueangel10 किसी एक में, देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।